हमारे साथ प्रमोद जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मुझे ना थायराइड की प्रॉब्लम है। कब मेरा से? टीएसएच मुझे 2 साल हो गए हैं। हाँ, टीएसएच मेरा 100 तक आता है, T3 T4 नॉर्मल आता है, लेकिन टीएसएच मेरा हमेशा बढ़ता रहता है। गोली मैं खाता हूँ क्योंकि एलोपैथिक, ठीक वो कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक, प्रमोद जी, ये रोग का निवारण हो सकता है अगर आप मेरी बात गौर से सुने। आप लिख लें तो बहुत अच्छा है। देखिए, जो आपके किचन में धनिया का दाना है, ये 300 ग्राम लीजिए। 300 ग्राम धनिया का दाना, 300 ग्राम मतलब धनिया, और 100 ग्राम आंवला सूखा हुआ मिलता है, 100 ग्राम मेथी का दाना, इन सबको लें। जितना मैंने बताया, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी और का दाना, और 100 ग्राम गौंद मोरिंगा सफ़ेद, याद रखें और लिख लें कि गौंद मोरिंगा सफ़ेद लेना है। लाल वाला आता है तो वो नकली होता है, तो सफ़ेद ही लेना है, गौंद मोरिंगा सफ़ेद। इनको पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह वो गोली के साथ या गोली के बाद या गोली से पहले जो आप थायराइड की खाते हैं वो लें, और 1 शाम को चम्मच, छोटा चाय का चम्मच भर के, ऐसा 3 ग्राम के करीब, 4 ग्राम के करीब पानी से लिया करें। दिन में 5 बार गर्म पानी पिया करें। तो देखिए, टाइम लगेगा, 7-8 महीने लग सकते हैं। आपकी गोली हर महीने आपका डॉक्टर कम करता जाएगा उसकी प्रोटेंसी, और 7-8 महीने 10 महीने लगे, लेकिन इस मर्ज से निजात मुमकिन है। जी, दिल्ली से नेक्स्ट कॉलर हैं पुष्पा जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार पुष्पा जी, सवाल करिए। हकीम साहब से बात करनी है। जी जी, आदावर, बताइए क्या बात है, क्या सवाल है? तो मैंने तो ना बच्चे के बारे में पूछना है। बताइए कौन सा बच्चा जी, बताइए। नमस्कार मैम जी, बताइए, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। आप टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और मेरी बात सुनिए, मैं सुलेमान आपसे बात कर रहा हूँ, सवाल बताइए। नमस्कार, नमस्कार जी। वो 10 साल का बच्चा है। अब तो उसका गेहूँ से एलर्जी है सर। दूध से एलर्जी? गेहूँ, गेहूँ, दूध से और गेहूँ से एलर्जी है, क्या होता है? वो बंद बताए डॉक्टर ने, बोला है कि ये वो खाता है तो गेहूँ उसको उल्टी लगती है। ठीक है, हाँ, ये एलर्जी के लिए आप उस बच्चे को माजून आर केयर सुबह आधा चम्मच, शाम को आधा चम्मच गर्म पानी से दिया करें, और 5 बार गर्म पानी रोज़ाना पिलाएं। तो देखिए, 5-6 महीने में फ़ायदा होना चाहिए, इतना सब्र आप कर सकते हैं तो माजून आर केयर बच्चे को देना शुरू कर सकते हैं। जी, अगले कॉलर चंडीगढ़ से हैं, KL शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए मैडम। ऐसे है, मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम है। कितने सालों से? करीब 30 साल से। 30 साल से, आपकी उम्र क्या है? और कब्ज भी रहती है। उम्र क्या है आपकी? उम्र 59 ईयर। देखिए, ये प्रोग्राम ऐसा हुआ कि शुरू से ही 30 साल पुराने, 35 साल पुराने रोगी फ़ोन कर रहे हैं। बड़ा अच्छा है कि इनको फ़ायदा हो जाए, लेकिन जो भी मैं बताता हूँ वो लिखना बहुत ज़रूरी है, जिसने लिख लिया उसका फ़ायदा मुमकिन है। देखिए, ऐसे रोगों के लिए बड़ा अच्छा नुस्खा यूनानी में है, सौंफ, धनिया, आंवला और मेथी, मेथी का दाना, सौंफ का दाना, धनिए का दाना और आंवला सूखा मिलता है, इन सबको लें 200-200 ग्राम, और 150 ग्राम आपको लेना है जैतून का नमक। जैतून का नमक एक ऐसा रसायन है जिसे जैतून का रसायन भी कहते हैं, या इंग्लिश में एस्टेक जैतून भी कहते हैं। इसको 150 ग्राम इसमें मिलाकर घर में पाउडर बनाएं और 1-1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से लें, और 5 बार दिन में गर्म पानी पिएं, तो आपकी ये 30 साल पुरानी बीमारी भी ठीक होना मुमकिन है। जी, पंजाब से अगले कॉलर हैं संदीप कुमार जी, स्वागत है आपका।
हेलो हेलो। जी संदीप जी, बोलिए, सवाल करिए। सर हमारे ना पेट में बहुत ज्यादा हार्ड हार्ड रहता है जी, बैक और पेट, पेजाब भी बनता है, गैस भी रहती है, उसकी प्रॉब्लम पूछनी थी। एज क्या है आपकी? मेरी एज 35 है जी। संजीव जी, जितनी उम्र आपकी है, अभी इतने पुराने पेशेंट का फोन आया था, उनको इतने दिन से रोग था, आप तो अभी शुरू हुए हैं, और 5 गिलास गर्म पानी पिया करें, ठीक है? और अपने खाने में धनिया खूब डलवाया करें, धनिया और ये लहसुन और अदरक, अपनी मम्मी से या जो भी घर में जिम्मेदार हैं उसे कहिए, इतना लहसुन, इतना धनिया, इतनी अदरक डाला करें, इससे भी आप ठीक हो सकते हैं बगैर किसी दवा के। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो एक नुस्खा मैं अभी इस प्रोग्राम की शुरुआत से खूब बता रहा हूँ, ये अच्छा नुस्खा है। सौंफ का दाना, धनिए का दाना और मेथी का दाना और आंवला सूखा हुआ 200-200 ग्राम खरीदें, और एक रसायन आता है जैतून का रसायन, जिसे नमक जैतून भी कहते हैं, जो देखने में नमक जैसा लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता, ये 150 ग्राम खरीद कर इसमें मिलाकर घर में पाउडर बनाएं, एक एक चम्मच सुबह शाम आप पानी से लिया करें, खाने से पहले और बाद में, दोनों तरह से ले सकते हैं, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, चंडीगढ़ से अगले कॉलर हैं कमलेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। हेलो हाँ जी, हेलो। हाँ जी सर, मैम जी बोलिए। मैम मैं सर से डॉक्टर साहब से इनसे बात कर सकती हूँ? मेरी करवाना, मेरे हस्बैंड का ना पेट बहुत बड़ा है, मतलब बढ़ गया उनका ना, पहले तो था नहीं, अब वो बहुत ज्यादा मोटे हो गए पेट पेट से, जी। तो एज उनके क्या है? पेट में ना दर्द रहती है। एज क्या है उनकी? 65, 66, 65। हाँ देखिए, एक तो मेरी तरफ से उनसे कहिए कि थोड़ा भोजन जितना करते हैं, अगर वो 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाने लगें कुछ दिन के लिए, 2 रोटी, ठीक है? और एक नुस्खा बना लीजिए, ये बहुत कामयाब नुस्खा है, दुनिया का कामयाब नुस्खा कहलाता है ये, आपके घर तक पहुंच गया तो आपको फ़ायदा देगा। लिख लें, धनिया का दाना 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम, आंवला सूखा हुआ मिलता है 200 ग्राम, और मेथी का दाना 200 ग्राम, इन सबको लें। और एक आता है जैतून का नमक, नमक जैतून या जैतून का नमक या जैतून का रसायन या जैतून का एस्टेक कहा जाता है इसको, 3 जबानों में अक्सर लोग जानते हैं, जैतून का रसायन या नमक जैतून, नमक जैसा होता है देखने में, नमकीन नहीं होता, इसको 150 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और एक एक चम्मच पतिदेव को खिलाएं, आप देखेंगे फ़ायदा पहले दिन से होगा, लेकिन ये ख़त्म कर लें जब तक भी ये रहे, काफ़ी मटेरियल है। और घर में कोई और भी पेट का रोगी, गैस का रोगी, कब्ज़ का रोगी, बवासीर का रोगी, लीवर का रोगी या किडनी की परेशानी वाले रोगी, इन्फेक्शन के रोगी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, एमपी से अगले कॉलर हैं MS चौहान जी, स्वागत है आपका। हाँ जी बोलिए। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। जी आदाब चौहान साहब, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार जी, हमारी आदाब। पत्नी सुनीता चौहान 54 साल की है, जिनको हम्म, पैरों में दर्द 2 वर्ष से हो रहा है। बीच बीच में होम्योपैथी दवा ली तो ठीक हो गया थोड़ा बहुत। एक माह से दर्द बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, घुटनों में सूजन भी आ जाती है, पूरे पैरों की मांसपेशियों में अलग अलग स्थानों पे दर्द होता है, ठीक है? के समान दर्द होता है इनकी होने की पर भी दर्द होता है, अपने ठीक। आप ठीक हो जाता है। हम्म, देखिए 7-8 माह से पेट भी दर्द कर रहा है सर। ठीक है। हाँ देखिए चौहान साहब, आपने जल्दी फ़ोन किया, वरना तो 10-20 साल लोग इस तकलीफ़ को उठाकर फिर हमसे जुड़ते हैं, आप बहुत एक्टिव हैं जो बहुत जल्दी फ़ोन कर लिया। ये शुरुआत हो चुकी है, हमारे कमर में नर्व दबने से हमारी टांगों में खिंचाव दर्द होता है या खिंचाव होता है, सुन्न होता है, जलन होती है, ये 4 कैफियत कमर में नर्व दबने से होती हैं। आपके घर में यकीनन ये टॉयलेट होगा,
वेस्टर्न टॉयलेट नहीं हो तो लगवा लें, सिर्फ ये लगवाने से भी आप ठीक हो सकते हैं आपकी पत्नी। और इसके लिए नुस्खा बहुत आसान है, मिलना ज़रा सा दुश्वार है। आप देखें, कोशिश करके गौनसिया नाम का एक काला गौंद आता है जिसे गौनसिया हम लोग कहते हैं, ये नकली बहुत मिलता है, असली ले लीजिए, कड़वा बहुत होता है, ब्राउन कलर का होता है। आप इसे 100 ग्राम भी खरीद पाए असली अगर, तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम नाश्ते और खाने के बाद दिया करें, बगैर चर्बी के दूध से या पानी से या जूस से, जैसे आपके हालात हैं उन्हें दिया करें। आप देखेंगे ये आपकी पत्नी के रोग मुक्त होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर यूपी से पांडे जी, स्वागत है आपका। जी डॉक्टर जी, हकीम जी प्रणाम। जी आदाब पांडे साहब। जी हकीम साहब, मेरी उम्र लगभग 25 साल है और मेरे आगे के बाल पूरे जा रहे हैं, तो मैं इसका इलाज चाहता हूँ, क्या हो सकता है आपकी यूनानी पद्धति? नजला, खांसी, बलगम, छींके कुछ आता है आपको? जी हाँ, छींके तो आती हैं, मौसम बदलने में छींके आती हैं और ये नाक से थोड़ा कफ निकलता है। अच्छा बेटा, देखो जिनको भी नज़ले की वजह से बाल उड़ रहे हैं तो उन्हें अपने नज़ले का इलाज करना चाहिए। और नज़ला, खांसी, छींके, बलगम उन लोगों को होता है जो जिनमें इम्यूनिटी की कमी होती है और ये बढ़ता चला जाता है, तो आपको अपनी इम्यूनिटी का इलाज करना चाहिए। और इस वक्त इम्यूनिटी की हर शख्स को ज़रूरत है, जो स्वस्थ हैं उनको भी, और आपको अपना ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि इम्यूनिटी के कम लोग इस वक्त तकलीफ़ में आ सकते हैं। जो संक्रमण चल रहा है उसके लिए आपको इम्यूनिटी पर काम करना चाहिए, और बल्कि अपने घर वालों को भी ये एक खुराक ज़रूर खिलानी चाहिए। माजून आर केयर, सुबह शाम एक एक चम्मच गर्म पानी से खाएं, बाहर की चीज़ें और खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें, और 5-6 महीने अगर इलाज करें तो आपकी परेशानी ठीक हो सकती है। जी, चंडीगढ़ से अगले कॉलर हैं विजय रानी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए, सवाल करिए अपना। मैडम मेरी एज ना 70 इयर्स है। ठीक है। और मेरे ना घुटनों में दर्द रहता है, डॉक्टर मेरे को घुटने रिप्लेस कराने के लिए बोलते हैं। लेफ्ट साइड का घुटना थोड़ा आगे को निकला हुआ है, घुटनों में कहते गैप कम हो गया है जी। हाँ देखिए रानी जी, बस यही काम मत करना। 70 साल आपने खैरियत से गुजारे और अब आप ऑपरेशन मत कराना, मेरा आपको सुझाव है। मैंने कोई शख्स कामयाब नहीं देखा ऑपरेट होने के बाद। एक सुझाव अगर मेरा मान लें तो आप 2-4 महीने में पहले जैसे भी हो सकते हैं। सुझाव यह है कि एक तो हमारे घर में वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए, है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो लगवा लें। और दूसरा देखिए, एक तो दवा आती है जिसको कहते हैं कैप्सूल टी केयर, टी मतलब टाइगर, टाइगर कैप्सूल टी केयर सुबह शाम लें, या तो सुबह शाम नाश्ते और खाने के बाद। देखिए फ़ायदा तो 5-10 दिन बाद करती है, 5-10 दिन बाद तक तो मुझसे कुछ मत कहना, लेकिन 1 महीने ली तो आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप फिर शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि फ़ोन करके हमें सराहेंगी हमारे मशवरे को। और ये ले लीजिए, या कैप्सूल टी केयर या फिर गौंद स्या आता है, काला गौंद। मैं सबको काला गौंद ही बताता हूँ, लेकिन आप ऑपरेशन के करीब हैं इसलिए मैंने आपको दवा बताई कैप्सूल टी केयर। तो काला गौंद भी एक ऐसा गौंद है जो देखने में ब्राउन सा होता है, लेकिन गौंद स्या हम लोग कहते हैं, काला गौंद। इसका असली मिलना ज़रूरी है, नकली बहुत मिल रहा है आजकल। तो ये अगर 100-200 ग्राम भी आपको मिल गया तो आपके रोग निवारण के लिए काफ़ी होना चाहिए। इसके खाने का तरीका है, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को, बगैर चर्बी के दूध से आपकी उम्र वाले, और पानी से या जूस से ले सकते हैं। और 5-10 दिन सब्र करना ज़रूरी है इसके लिए, ऑपरेशन से पहले ये ज़रूर कोशिश करें ताकि आप पूरी तरह ठीक हो सकें। जी।